बीते दिनों राज्य के आगरमालवा जिले में करीब 33 लोगों की मौत हो गई थी और मौत के बाद इन सभी के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। जानकारी के अनुसार भोपाल के लैब में इन सभी के जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसके बाद राज्य सरकार ने सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में विभागीय अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें। केंद्र शासन के इन्फ्लुएंजा एक्शन प्लान 2021 की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर उपलब्ध गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करें। मंत्री पटेल ने आगे कहा कि आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर्स की अध्यक्षता में पशुपालन वन स्वास्थ्य और अन्य समन्वयक विभागों के साथ तैयारी और रोकथाम के से संबंधित बैठकें की जा रही है। जिले में RRT दलों का गठन कर PPE किट्स, उपकरण, डिसइंफेक्टेंट्स और दवाइयों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पोल्ट्री फार्म, चिड़ियाघर, अभयारण्य और कुक्कुट बाजार और हाट बाजार आदि में पशुपालन विभाग ने अधिकारी बायो सिक्योरिटी मापदंडों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपने जाना कि मध्य प्रदेश में अब बर्ड फ्लू का भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के अभी नया वेरियंट ओमिक्रॉन ने भी तबाही मचा रखी है प्रदेश भर में। वहीं बीच मध्य प्रदेश में नए वेरियंट यानी बर्ड फ्लू ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तो वही वॉइस ऑफ आपके वॉइस ऑफ इंडिया आप सबमिट करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, वैक्सीनेशन के दोनों डोज लें और जितनी हो सके उतनी सतर्कता बरतें क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लगातार हर छोटे से बड़े अपडेट्स के लिए बढ़ रहा है वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ फैमिली पर जाइए।